कैसे हैं आप लोग? आप सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोगों की होली काफ़ी अच्छी रही हो। अब आज का वीडियो हम लेके आ गए आपके लिए कैंपस डेविस रनिंग शूज़ का रिव्यू लेके। तो देखते हैं वीडियो में कि कैसे हैं ये शूज़, और टेस्टिंग में देखते हैं कि क्या आपको ये प्रीफर करना चाहिए। उसके पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। यार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसके अनबॉक्सिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक प्लेन सा डब्बा, कार्डबोर्ड का डब्बा देके रखा है कैंपस के लोगों के साथ। लेफ्ट हैंड पे आपको देखने को मिलेगा इसका प्राइस, आर्टिकल नंबर और एक QR कोड, जिससे कि आप इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में वीडियो के एंड में। बॉक्स के अंदर मिलेंगे आपको हमारे शूज, जिनका नाम है कैंपस के डेविस रनिंग शूज। गाइस यहाँ पर बात करूं इस प्रोडक्ट के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर इन शूज को देख के मुझे एक ही जूते की याद आती है, वो है नाइकी का PXS 38 रनिंग शूज। यार लेकिन वो जूता आता है 10,000 रुपए का और ये जूता लॉन्च किया 1,000 रुपए में, तो कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही, वो चेक करेंगे अपन वीडियो में। डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर इन लोगों ने सोचा है कि इस जूते को अपन प्लेन रखते हैं, तो वही बात यहाँ पर इन्होंने फॉलो करी है। मटेरियल की बात करूं तो आपको पूरे जो शूज है वहां पर मैश मटेरियल देखने को मिलेगा विद होल पैटर्न। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों की स्वेटिंग, ब्रीथिंग वगैरह जो भी रहेगी रनिंग के टाइम पर, वो काफी प्रॉपर रहेगी। अब यहाँ पर कैंपस ने अपना रनिंग वाला फॉर्मेट जो फॉलो करते हैं जूते में, वही फॉलो किया है। कैंपस की ब्रांडिंग देकर रखी लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड साइड पे। तो गाइस यहाँ पर कैंपस ने अपने खुद के लोगों के साथ ही साथ रनिंग का एक फॉर्मेटिंग करके रखी है जूते के ऊपर। राइट हैंड साइड पे भी आपको वही फॉर्मेट दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको वही फॉर्मेट दिखेगा। पीछे की बात करूं तो वहां पर एक कैंपस का लोगो विद अ स्ट्रिप, जो कि आप होल्ड कर सकते हैं जूते को। ये तो बात हो गई इसके डिजाइनिंग एस्पेक्ट के बारे में और बिल्ड के बारे में। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक आउटसोल की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर का पैटर्न फॉलो करके रखा है, जो कि रबर मटेरियल में देके रखा है। अब यहाँ पर जो अलग अलग एनग्रेविंग करके रखी है, जो पैटर्न्स आप ब्लॉक्स देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में जो देके रखे हैं, वो रबर फॉर्मेट में तो है ही। प्लस इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रिपिंग रहेगी अलग अलग सर्फेसेस में, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो आप इसको इंडोर यूज़ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आउटडोर यूज़ में भी ये जो है जूते काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बात करूँ उसके साइड सोल की, तो साइड सोल में आपको लाइनिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो साइड सोल है वो काफ़ी बड़ा भी है, प्लस जो दिखता है वो नाइकी के PXS सिप जैसा दिखता है। जो सोल है साइड सोल, वो काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी प्रेस भी होता है। हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर जो इसका सोल हाइट है 1.8 इंच है, काफ़ी बड़ा है। गाइस अब यहाँ पर जो आपको लेसेस है जूते में, वो मुझे जितनी अच्छी नहीं लगी है। आप देख सकते हैं कि कितना प्लेन सा पैटर्न फॉलो करके रखा है, और जो लेसेस हैं ऐसा लगता है कि इन मार्केट, चीप मार्केट में जो लेसेस मिलती है उनको 10-12 रुपए की, वो जो है इसमें यूज़ करके रखी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट ले जाता है ये शूज़। गाइस कैंपस का जो इंसोल रहता है वो हमेशा मेमोरी फोम फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर इस शूज़ में जो इंसोल है वो एक्टिव सेल यूज़ करके रखा है, जो कि मेमोरी फोम से थोड़ा सा बेकार रहता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मेरे को देखने को मिलेगी कि इंसोल जो है वो थोड़ा पतला रहा है, और कंफर्ट जो है मुझे अप टू द पॉइंट नहीं मिला है। तो गाइस जो साइड और बैक पोर्शन है, वहां पर जो कुशनिंग करके रखी है वो काफी अच्छी लगी है मुझे, लेकिन इंसोल में भी अगर यही चीज फॉलो करते तो ये जूता जो है काफी अप टू द मार्क रहता। अभी जूता जो है गाइस 300 ग्राम का आता है, तो मुझे कहीं ना कहीं हैवी ही लगा है, क्योंकि 300 ग्राम भी यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप रनिंग करने वाले हैं, जॉगिंग करने वाले हैं, तो वहाँ पर इसका ऊपर से इंसोल भी कंफर्ट नहीं देके रखा है, तो थोड़ा सा मुझे ये जमा नहीं है। अब गाइस एक बार मैं आपको इन शूज़ को फ्लैक्स करके भी दिखा देता हूँ कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, क्योंकि रनिंग ऑब्वियसली करेंगे तो वहाँ पर फ्लैक्स जो होना चाहिए शूज़ का। आप देख सकते हैं कि आगे के साइड से फ्लैक्स तो हो रहा है, हार्ड रबर देके रखा है, लेकिन फिर भी फ्लैक्सिंग जो है अच्छी है, और जो स्ट्रेच मार्क्स रहेंगे आपके मैश मटेरियल और आउटसोल पे, वो जो है टेम्पररी रहने वाले हैं, और विद द टाइम जो है वो हट भी जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिली है मुझे शूज में। अब बात आती है मेन पॉइंट की, वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट की। तो वॉकिंग एंड रनिंग में जूते कैसे रहे हैं? जब मैंने इनको वॉक करा तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इनका इंसोल है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उस कारण कहीं ना कहीं विद द टाइम जो है आपके हील्स वगैरह में एरिया में पेन हो सकता है, और आप जब भी इसको लॉन्ग ड्यूरेशन में वॉक करेंगे या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन जब पहन के रखेंगे, तो हो सकता है कि आपको डिस्कम्फर्ट दें। रनिंग की बात करूँ गाइस, तो रनिंग के टाइम पर भी मुझे यही दिक्कत फेस करने को मिली है, वो इसका रीज़न यही रहा है कि जो इसका इनसोल आउटसोल का जो डिज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं लगी है मुझे। इसमें मैंने शॉर्ट रनिंग एज वेल एज लॉन्ग रनिंग भी करके देखी, तो मुझे लगा कि शॉर्ट रनिंग में कहीं ना कहीं आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, कि अगर आपको 100 मीटर 200 मीटर में आपको रनिंग करनी हो तो वहाँ पर आप प्रीफर कर सकते हैं इसको। लेकिन जब आपको लॉन्ग रनिंग करने जाओगे, आप 1600 मीटर करने वाले हो, 2 किलोमीटर रनिंग करने वाले हो, 5 किलोमीटर करने वाले हो, तो वहाँ पर कम्फर्ट के कारण आपको शूज़ बिल्कुल दिक्कत आएगी, और इसी कारण से ये जूता हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं रहता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग रनिंग। लेकिन अगर आप कैजुअल वियर वगैरह में पहनना चाहते हैं, अगर आपको शूज़ लुक वाइज अच्छे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन बाय दिस शूज़। गाइस इस शूज़ की जो फिटिंग है मुझे प्रॉपर देखने को मिली है, अगर आप जो भी आपका साइज है उस हिसाब से ही लेंगे तो आपकी फिटिंग जो यहाँ पर प्रॉपर रहेगी। गाइस मैंने इन जूतों में जंप करके भी देखा, तो जंप टेस्ट जो रहा है वो काफी अच्छा रहा है, स्टेबल रहे हैं जूते मेरे आउटडोर टेस्ट में एज वेल एज इनडोर टेस्ट में। गाइस प्राइसिंग की बात आती है, डब्बे पर जो प्राइसिंग देकर रखी थी वो देकर रखी है 1699 रुपए, लेकिन जब हम देखते हैं इसको ऑनलाइन मार्केट में परचेस करने के लिए, तो ये जूते आपको मिलेंगे वहां पर कुछ अराउंड 1000 रुपए का। तो
₹10,000 में इसके बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि कैंपस आर्टेमिस हो गया या फिर एशियन का क्रेटा 13 सीरीज हो गई, तो वो शूज़ जो इनसे बेटर रहेंगे, जहाँ पर आपको कंफर्ट भी मिलेगा एज वेल एज आपको जो है प्रॉपर जो है लुक्स भी मिलेंगे। तो कैंपस से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर शूज़ बनाए थोड़ा सा R&D में अगर वो लोग टाइम इन्वेस्ट करें तो ये शूज़ जो है बेहतर बन सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी गुड बाय, शब्बा खैर, बाय।